देश व प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं के विरुद्ध में गुरुवार को जिला महिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार पिंकी साठी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया है कि देश व प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ रेप केस हो रहे और सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली के संगम विहार निवासी 21 साल की महिला के साथ बलात्कार के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। महिला स्थानीय एसडीएम ऑफिस में कार्यरत थी, ड्यूटी से घर आते समय अगवा करके सामूहिक दुष्कर्म किया गया और तकरीबन 50 जगह चाकू घोंपे गए। दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ज्ञापन में मांग की गई कि ऐसे दरिंदों को तुरंत फांसी की सजा दी जाए। ज्ञापन में नीमच के सिंगोली में आदिवासी कन्हैयालाल भील के साथ हुई घटना और इंदौर के MY हॉस्पिटल में डायलिसिस करवाने आई एक महिला के साथ एक वार्ड बॉय द्वारा रेप करने की कोशिश की गई, इन घटनाओं का जिक्र भी किया गया और सरकार से मांग की गई कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर रोक लगाई जाए, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला महिला कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद है। प्रदेश के अंदर जिस तरह पे महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न और अत्याचार और रेप केस जो हो रहे हैं आए दिन हमको सुनने में मिलते हैं। आज जिस तरह से हमने साबिया सैफी का जो आज हमने ज्ञापन दिया है, आज 21 साल की बच्ची के साथ जिस जो कार्यरत थी और SDM ऑफिस के अंदर जो कार्यरत है और उसके साथ जो गैंगरेप और बलात्कार हुआ, मतलब इस तरह से हुआ कि रूह कांप उठे। जिस तरह से उन्होंने 50 बार तो चाकू से उसको नोचा, चाकू से उसने चाकू मारा और उसके बाद उसके जो पार्ट्स थे उनको भी उन्होंने काट दिया। तो इस तरह की अमानवीय घटना दिन बे दिन बढ़ती जा रही है, न मध्य प्रदेश बाकी है न देश हमारा बाकी है, यानी मतलब पूरे मध्य प्रदेश के अंदर महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अगर कहीं अधिकारी या SDM ऑफिस चाहे कलेक्टर हो चाहे किसी भी कार्यरत में काम करती महिला हो, आज वो सुरक्षित नहीं है। हम क्या माने देश की स्थिति क्या होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस तरह की उत्पीड़न की जो मामले दिन बे दिन बढ़ते जा रहे हैं, हम केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि ये किस तरह का अपना प्रशासन है आपका, किस तरह से ये प्रशासन आपका काम करी है। MY हॉस्पिटल जो इंदौर के अंदर जो महिला के साथ डायलिसिस कराने के लिए जो महिला आई, वो जांच कराने लिखे और एनीमा के लिए उनको लेके गए और उसके साथ रेप किया, अब ये किस तरह की घटनाएं हमारे देश में हो रही है, हमारे प्रदेश में हो रही है, ये कहाँ तक उचित है। महिला कांग्रेस पूरी मांग करती है कि इस तरह के जो रेप जो हो रहे हैं महिलाओं के साथ, ये तुरंत बंद किए जाए और अगर आप नहीं संभाल सकते तो हमारे महिलाओं के ऊपर छोड़ो, हम उनको सजा दे देंगे, सालों को फास्ट ट्रैक लगा के उनको फांसी की सजा दी जाए। हम चाहते हैं कि जिला महिला कांग्रेस के द्वारा आह्वान करते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी ही दी जाए, नहीं तो जब तक ये इनको अच्छे उनको नहीं मिलेगी, कार्रवाई नहीं होगी जब तक ये चुप नहीं बैठेंगे और इनके आगे से आगे इनके बढ़ते जाएंगे, ये नहीं हौसले बढ़ते जाएंगे, ये कभी इस तरह की अमानवीय जो घटनाएँ घट रही है ये कभी रोक नहीं पाएंगे जब तक ऐसे लोगों को फांसी नहीं दी जाए। नीमच से आसिफ अली की रिपोर्ट।